मुसाफिरों की भी सुनी गई है। चार रोज बाद समझौता एक्सप्रेस दौड़ने लगी है। 14 मुसाफिरों को भारत से लेकर लाहौर पहुंच गई है। समझौता एक्सप्रेस को पाक भारत कशीदगी के बायस मनसूख कर दिया गया था। इसी पर बात करेंगे राणा फहद से। राणा फहद बताएगा क्या अपडेट्स हैं अभी। दिया गया था और पाकिस्तानी मुसाफिर जो है वो भारत में फंस गए थे और भारतीय मुसाफिर जिन्होंने पाकिस्तान से भारत जाना था वो पाकिस्तान में जो है वो फंस गए थे। तो आज जो है वो समझौता एक्सप्रेस को दोबारा जो है वो चला दिया गया है। समझौता एक्सप्रेस आज सुबह 187 मुसाफिर लेकर जो है वो लाहौर से भारत गई और अब जो है वो भारत से वापस जो है वो लाहौर रेलवे स्टेशन पर पहुंची है। 12 मुसाफिर हैं जो समझौता एक्सप्रेस पर लाहौर से जो भारत से जो है वो लाहौर पहुंची है। अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो आप देख सकते हैं कि पीछे जो है वो ये भारतीय पाकिस्तानी मुसाफिर हैं जो भारत में फंसे थे और जो है वो समझौता एक्सप्रेस की मनसूखी के बाद पाकिस्तान जो है वो नहीं आ सके थे, मगर अब जो है वो आज ये समझौता एक्सप्रेस दोबारा पाकिस्तान में आई है। तो ये मुसाफिर जो है वो पाकिस्तान में अपने घर में आए हैं। तो कुछ लोग यहाँ पर हमारे साथ कुछ मुसाफिर भी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अच्छा अंकल जी बताइएगा, जब ये पाक भारत कशीदगी हुई तो आप वहाँ पे फंस गए तो कितनी परेशानी हुई वहाँ पे? वहाँ पर परेशानी सिर्फ यही हुई थी कि जब ये वाकया हुआ ना उसके बाद जो है वहाँ पर हड़ताल हो गई, बाजार बंद हो गया, जिसकी वजह से हम परेशान हुए। फिर सुनने में आए, खबरें आती रही, फिर ये हुआ जी वो पायलट का मसला हुआ। जब पाकिस्तान ने पायलट वापस किया तो उसके बाद वहाँ पर बड़े खुश हुए लोग वहाँ के और उन्होंने बड़ी खुशियाँ मनाई और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जो मुर्दाबाद के लगा रहे थे नारे। उसके बाद जो है अब वहाँ पर सुकून है, वहाँ पर भी अब कोई वैसी बात नहीं है। लेकिन जब ट्रेन का वाक्य आया कि समझौता एक्सप्रेस बंद हो गई है उसके बाद से जो है हम परेशानी में थे। फिर हमने अपनी रवानगी लिखवाई और फिर यूँ इस तरीके से जो है हम आज पाकिस्तान अपने मुल्क अभी पहुँच गए यहाँ पर। अच्छा बाजी आप बताइएगा, कितना ही परेशानी हुई जब ट्रेन बंद हो गई और जो है वो घर आके अब कितना सुकून मिल रहा है दिल को? आदमी अपने घर आ गए, ऐसा लग रहा है अपने मुल्क में आ गए, अपने घर आ गए। वहाँ पे भी परेशानी खैर नहीं थी हमें कोई, बस ज़रा ये ट्रेन बंद होने से जहर परेशान हो गया था कि पता नहीं कितना टाइम लग जाए क्या है। जी बिल्कुल, आपने बात सुनी, इनकी मुसाफिर हैं ये जो समझौता एक्सप्रेस पर भारत से जो है वो यहाँ पर पाकिस्तान पहुँचे। इनका कहना है जब जो है पुलवामा अटैक हुआ था उस वक्त जो है वो इनको परेशानी का सामना करना पड़ा था क्योंकि भारत में जो है वो जुनूनी हिंदुओं की जानिब से जो है वो बाजार बंद कर दिए गए और एहतजाज वगैरह भी किए गए जिससे इनको परेशानी का सामना करना पड़ा। ताहम जब पाकिस्तान की जानिब से भारतीय पायलट को रिहा कर दिया गया उसके बाद जो है वो मामला कुछ थोड़े बेहतर हुए और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी जो है वो वहाँ पर लगे और इनको जो है वो परेशानी का सामना तो करना पड़ा। ठीक है, चार रोज बाद समझौता एक्सप्रेस अब दौड़ने लगी है। मुसाफिर परेशान थे कि कब ये ट्रेन चलेगी और हम अपने वतन पहुंचेंगे, और इसी पर हमें अपडेट कर रहे थे राणा फहद, बहुत शुक्रिया आपका।